क्योंकि बेटा साइंस के माँ बाप ने उसका नाम साइंस रखा, इसलिए उसको साइंस कहते हैं। साइंस में भी पुराने बातें होती और हिस्ट्री में भी पुराने बातें होती, साइंस को हिस्ट्री क्यों नहीं कहते? बहुत ही अच्छा सवाल। ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना, तभी क्या साइंस को हिस्ट्री का ही नाम देने वाले। लफड़ा क्या हो गया कि हिस्ट्री का नंबर पहले आगे लाइन में आगे खड़ा था, हिस्ट्री को हिस्ट्री का नाम मिल गया। जब साइंस की बारी आई, नाम कोई बचा ही नहीं था, एक ही नाम बचा था साइंस। भी उसको भी हिस्ट्री का नाम तो दे नहीं सकते। बोला कि चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री को तो हिस्ट्री दिया है, रहने दो। साइंस को भी ये बचा है तो साइंस को जरा बेचारे को समझाए भाई, मान जाने। साइंस बेचारा अच्छा था, बोला ठीक है मैं साइंस। तो तब से लेके अभी तक वो साइंस ही कहलाता, बाकी है अंदर से वो हिस्ट्री, खाली ऊपर से उसका नाम साइंस है। कुछ भी। वाह अंकल, आपको साइंस का कितना नॉलेज है। जबरदस्त। मुझे तो लगता है अय्यर अंकल को भी इतना नहीं मालूम होगा। अरे अय्यर अंकल का तो कुछ आता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, किसी को बताना मत बेटा, लेकिन अय्यर अंकल को साइंटिस्ट बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मुझे क्या है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं। A few moments later. आगे। अरे गोगी देख, साइंस के राजू गाइड आ चुके हैं, अभी इनसे तू जो मर्जी सवाल पूछ। अरे गोगी बताओ क्या कन्फ्यूजन, ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? अगे ये तो बहुत सिंपल सवाल है, न्यूटन मेरे जैसा ही एक बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन अंकल आप कहाँ बड़े साइंटिस्ट हो?